पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। साहिल लुधियानवी के बोल और मुकेश की आवाज, कितना प्यारा गाना है। लेकिन भला को इसको स्वतंत्रता दिवस पर क्यों सुनेगा? वैसे सुन भी सकता है अगर तारीख हो 15 अगस्त और साल 2020। सामने खुला हो इंस्टाग्राम, जहां महेंद्र सिंह धोनी अपनी आदत के मुताबिक लोगों को सरप्राइज कर रहे हो। जी हाँ, अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे। आज ही का दिन था 2 साल पहले जब धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा था। 2 साल हो चुके हैं आईसीसी की तीनों मेजर ट्रॉफीज जीतने वाले इकलौते कप्तान एमएस धोनी अब नीली जर्सी में नहीं दिखते। साल 2019 वनडे वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड से मिली हार के बाद से धोनी गायब हो गए। हर सीरीज में उम्मीद होती थी कि धोनी वापस आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। और फिर इंतजार करते हुए आया 2020 का स्वतंत्रता दिवस। धोनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट डाली। इस पोस्ट में अपने डेब्यू से लेकर अब तक की खूब सारी फोटोज लगाई, साथ में चिपकाया वो गाना जिससे हमने इस वीडियो की शुरुआत की है, और कैप्शन में लिखा, थैंक्स, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत शुक्रिया, 1929 से मुझे रिटायर समझे। इस वीडियो ने धोनी फैंस, या यू कह लीजिए क्रिकेट फैंस, का दिल तोड़ दिया था। ये बात भी है कि धोनी पहले जैसी फॉर्म में नहीं थे। उनके उत्तराधिकारी के तौर पर ऋषभ पंत को तैयार किया जा रहा था, और एक न एक दिन ऐसा होना ही था। और ऐसा होने के बाद टीम इंडिया कई मैच खेल चुकी है, तमाम सीरीज जीत चुकी है, लेकिन 2 बड़े सवाल अब भी कायम है। टीम इंडिया का फिनिशर कौन, और वो विकेट कीपर कौन जो बिना थके बिना रुके सालों तक हर फॉर्मेट में विकेट के पीछे जमा रहेगा। और ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि माही के बाद इन 2 जगहों पर कई लोग आजमाए गए, लेकिन वो भरोसा कोई जगह नहीं पाया। स्पेशली फिनिशर के रोल में माही के बाद अभी तक कोई नहीं जम पाया है। तो चलिए आज यही देखते हैं कि एक माही की जगह कितने लोग मिलकर भी नहीं भर पाए हैं। और शुरू करते हैं फिनिशर से इसलिए क्योंकि माही की फिनिशिंग पर पूरी दुनिया को भरोसा था। माही पर भरोसा करने वालों में हमारे पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम भी शामिल हैं। उनके एडवाइजर श्रीजन पॉल सिंह ने बकायदा ट्वीट कर बताया था कि जब भी टीम फंसती थी तो वो पूछा करते थे, क्या कप्तान एमएस धोनी अभी तक नॉट आउट है? जब जवाब में हाँ मिलता तो वो हंसते हुए कहते थे, चिंता मत करो, कप्तान सब ठीक कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड कप 2019 न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए सेमीफाइनल मैच के बाद धोनी वापस नहीं आए। टीम इंडिया ने इस बीच नए खिलाड़ियों को उनकी जगह खिलाना शुरू किया। वैसे तो टीम इंडिया के पास हार्दिक पांड्या के रूप में फिक्स्ड फिनिशर थे, लेकिन वर्ल्ड कप में आई उनकी इंजरी के बाद समस्याएं बढ़ गई थी। अब मैच फिनिश करने के लिए ना धोनी थे और ना ही हार्दिक पांड्या। अब टीम को वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलना था। टॉप और मिडिल ऑर्डर संभला हुआ था, लेकिन फिनिश कौन करता? ऐसे में रविंद्र जडेजा के साथ टीम ने कृणाल पांड्या को मौके देना शुरू किया। T20I में उन्होंने इंडिया के लिए मैच फिनिश करने का जिम्मा उठाया, और उधर वनडे सीरीज में ये काम केदार जाधव के कंधों पर रहा। इस सीरीज के बाद जब साउथ अफ्रीका से हमने खेला तो वहां पर हार्दिक ने वापसी की। अब हार्दिक और कृणाल दोनों ने फिनिशर्स के तौर पर टीम में जगह बनाई, लेकिन हर सीरीज के साथ इस लिस्ट में नाम जुड़ते गए, कई मिटते गए, क्योंकि फिर जब बांग्लादेश के साथ सीरीज हुई तो शिवम दुबे को भी हमने 6 नंबर पर खेलते हुए देखा। इसके बाद कभी टीम ने दुबे को ऊपर भेजकर वॉशिंगटन सुंदर या कृणाल पांड्या को यहाँ उतार दिया। जब टीम ने वेस्टइंडीज के साथ साल 2019 की आखिरी सीरीज खेली तब भी हमारे पास नंबर 6 के लिए दुबे, सुंदर और जडेजा रहते थे। वहीं वनडे में केदार जाधव को लगातार फिनिशर के तौर पर देखा जा रहा था। T20I में कागजों पर हमारे पास फिनिशर्स की भरमार थी, लेकिन मैदान में हाल बुरा था। वहीं दूसरी तरफ वनडे में केदार जाधव जा चुके थे। साल 2019 इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके लिए आखिरी हो गया था। खैर, फिर साल 2020 में कोरोना के समय टीम इंडिया ने जितनी सीरीज खेली उसमें कभी दुबे, कभी सुंदर तो कभी जडेजा को फिनिशर के तौर पर उतारा गया। हालांकि साल के अंत तक टीम इंडिया के लिए एक प्लस ये था कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए हार्दिक पांड्या की वापसी हो चुकी थी। लगा कि अब हार्दिक अपनी जगह वापस लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कुछ सीरीज में तो वो रहे, लेकिन फिर चोट के चलते बाहर। अब यहां से टीम मैनेजमेंट ने आईपीएल में वेंकटेश अय्यर की परफॉर्मेंस को देखकर कभी उनको उतारा, कभी दीपक हुडा को ट्राई किया, कभी रविंद्र जडेजा आए। ये कहानी साल 2022 के आईपीएल तक चलती रही, लेकिन अब सीन थोड़ा सा बदल गया है। अब टीम के पास हार्दिक तो है ही, लेकिन उनके साथ मिल गए हैं दिनेश कार्तिक। कार्तिक जबर फॉर्म में है, और आगे का तो नहीं पता, लेकिन अभी के लिए टीम इंडिया के फिनिशर। अब बात करते हैं विकेटकीपर्स की।
जब तक धोनी थे तब तक उनके साथ पंत को खिलाकर उन्हें तैयार किया जा रहा था, और ये साफ भी था कि धोनी के बाद पंत ही टीम इंडिया के लिए विकेट कीपिंग करेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। साल 2019 में धोनी के जाने के बाद लगातार पंत ने कीपिंग की, लेकिन साल 2020 में काफी बदलाव आए। इस पूरे साल जब जब टीम इंडिया खेली तब पंत नहीं राहुल ने टीम इंडिया के लिए कीपिंग की। एक मैच के बीच में संजू भी आए और ये समझ आने लगा कि मैनेजमेंट एक पैकेज ढूंढ रही है। तो यहाँ से हमने कई सारे कीपर्स को ट्राई होते देखना शुरू किया। साल 2021 में पंत ने वापस कीपिंग शुरू करी, और दूसरी तरफ टीम इंडिया की दूसरी टीम्स जब दौरे पर गई, जैसे श्रीलंका में गई थी तब वहाँ ईशान किशन और संजू सैमसन से कीपिंग करवाई गई। हम कुछ मैच में दिनेश कार्तिक को भी कीपिंग करते हुए देख चुके हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को शूट किया है जतिन ने। मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।